हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल हेल्थ एंड विकास 24 में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिंझा बियर्ड ऑयल के बारे में। इसके क्या यूज़ हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं और इसके क्या प्राइस हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना फ्रेंड्स। बहुत सारी समस्याएं रहती हैं आपकी बियर्ड को लेकर, तो उन्हीं सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए इस ऑयल का हम कैसे यूज़ करेंगे वो सारी डिटेल बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि स्किप मत करना, कि स्किप करते ही आप बहुत कुछ मिस कर देंगे आज, ये समझ जाइए। जिन लोगों को दाढ़ी चाहिए अच्छी सी, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, आई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स, इस ऑयल में होता क्या है। तो फ्रेंड्स, ये टोटली आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी ऑयल है, मतलब इसमें टोटली जो भी इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं वो सभी आयुर्वेदिक हैं। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल आपको केमिकल रिएक्शन नहीं मिलने वाला है, ये टोटली आयुर्वेदिक है फ्रेंड्स। इसमें बादाम है और फ्रेंड्स अमलकी है, ब्रह्मी है, नोरेली है, मतलब बहुत सारे जो भी हैं वो टोटली आयुर्वेदिक मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें अदर से कोई आर्टिफिशियल नहीं मिलाया गया है। तो फ्रेंड्स, उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये टोटली आयुर्वेदिक है। अब इसके यूज़ के बारे में बात करेंगे, इसके यूज़ क्या करना है। तो फ्रेंड्स, इसके यूज़ तो आप समझ ही गए होंगे, फ्रेंड्स के यूज़ तो आप जान ही गए होंगे इसका नाम सुन के, कि बियर्ड ग्रोथ ऑयल। फ्रेंड्स, ग्रोथ ऑयल जो बियर्ड ग्रोथ ऑयल है उसके बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं। तो उसका जो फ्रेंड्स सबसे पहली बेसिकली यूज़ क्या है, उसका बेसिकली यूज है फ्रेंड्स, आपकी ग्रोथ हो रही है दाढ़ी की, वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है। मतलब जिन लोगों को समस्या रहती है कि हमारी दाढ़ी बहुत कम बढ़ रही है या फिर हमारी दाढ़ी बहुत बिगड़ी हुई है, मतलब पूरी तरह से घनी नहीं है, मतलब पूरी तरह से भरकर नहीं जम रही, तो ऐसी समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं तो उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन रहेगा ये बियर्ड ग्रोथ ऑयल। तो उससे क्या होगा, जो दाढ़ी की जो ग्रोथ होने लगेगी बहुत अच्छे से, जो इसका मतलब जो इसके दाढ़ी के जो भी टिश्यूज होंगे यहाँ पर, वो पूरी तरह से दाढ़ी के अंदर, मतलब जब ये आप ऑयल लगाओगे तो पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे कि इसकी जो ग्रोथ होगी वो आपकी बहुत स्पीड से बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। और इसके जो जहाँ जहाँ पे इसके बाल नहीं जम रहे हैं तो वहाँ पे भी जमने लगेंगे आपकी दाढ़ी के। तो फ्रेंड्स, कोई भी समस्या हो दाढ़ी से रिलेटेड, आपकी कम जम रही हो या फिर कम बढ़ रही है या फिर बहुत बिगड़ी हुई है, मतलब पूरी तरह से, मतलब घनी नहीं है, एक हिसाब से घनी होती है, सबकी भरकर जमती है, किसी की बहुत कम है, तो उस कम को भी पूरी तरह से भरता है ये बियर्ड ग्रोथ ऑयल। तो पूरी तरह से काम करता है, अच्छे से काम करता है दाढ़ी के लिए, और दाढ़ी की सभी समस्याओं के लिए बहुत बेस्ट है फ्रेंड्स। तो दाढ़ी आपकी एकदम भर के जमेगी और आप देख एकदम हैंडसम लगेंगे, स्मार्ट लुक लगेगा आपके फेस का। तो फ्रेंड्स, यही यूज़ थे इसके, दाढ़ी को अच्छे से बढ़ाना और दाढ़ी की ग्रोथ को अच्छे से मतलब आगे बढ़ाना। और फ्रेंड्स, इसकी जो भी मतलब जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स है वो तो पूरी तरह से नेचुरल है, तो साइड इफेक्ट बहुत ना के बराबर है। तो फ्रेंड्स, ये तो इसके यूज़ थे। अब बात करते हैं इसे कैसे यूज करना है, मतलब डायरेक्शन ऑफ यूज़ क्या है इसके, किस तरह से इसे यूज़ करना है फ्रेंड्स हमें। तो इसको फ्रेंड्स आप 2 से 3 ड्रॉप लेना है, अगर आपकी बड़ी दाढ़ी है तो 4 से 5 या 6 ड्रॉप तक ले सकते हैं। अगर आपकी छोटी दाढ़ी है तो उस टाइम पर 3 से 4 ड्रॉप लेने के बाद आप हाथ पर लेइए और अच्छे से मसाज करना है फ्रेंड्स, अच्छे से दाढ़ी पर मसाज करना है, अच्छे से ऐसे लगाने के बाद ऐसे लगा कर सकते हैं आप, थोड़ी देर कम से कम 5 से 10 मिनट मसाज करना है। मसाज करने के बाद फ्रेंड्स क्या होगा, आपको दिन में ओनली 1 टाइम यूज़ करना है इसे, केवल एक ही बार, 2 बार यूज़ नहीं करना है, हमेशा एक ही बार यूज़ करना है, दिन में कम से कम 1 बार। तो फ्रेंड्स, इसे दिन में 1 बार यूज़ करना है और जब भी लगाएं तो हमेशा मसाज करें चेहरे पर, तो अच्छे से मसाज करने के बाद ही इसका यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, ये तो इसके डायरेक्शन ऑफ यूज़ हो गए, कैसे इसे यूज़ करना है वो बता दिया। अब बात करते हैं इसे के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, जैसे आप इसे लगाएंगे उसके बाद आपको ईचिंग लगे या फिर स्किन पर आपके दाने निकलने लगे या फिर स्किन पर रेडनेस लगने लगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखेंगे, ये किसी किसी में होते हैं लेकिन हर किसी में नहीं देखे जा सकते, क्योंकि ये टोटली आयुर्वेदिक है, तो आयुर्वेदिक के साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर होते हैं। तो फ्रेंड, इसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं जो वो ना के ही बराबर हैं। तो इसका जो आप मतलब जो साइड इफ़ेक्ट रहेगा तो बहुत कम लोगों पर, मतलब 100 में से 2 से 3 लोगों पर, बहुत से कम जो इसके रिएक्शन, जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी उन्हीं की स्किन इसे रिएक्ट करेगी, वरना हर किसी को ये सूट कर जाता है फ्रेंड्स। तो ये तो इसके साइड इफ़ेक्ट हो गए। अब बात करते हैं इसके लास्ट में प्राइस के बारे में। तो फ्रेंड्स, प्राइस कौन से होने वाले हैं इसके, तो फ्रेंड्स इसका जो प्राइस है फ्रेंड्स वो है 155 रुपीज़, मतलब 155 रुपीज़ में आपको 50 ml की बॉटल मिल जाएगी, इस टाइप की बोतल होती है, और इसकी जो अंदर से पैकेजिंग होती है फ्रेंड्स वो ऐसी होती है। तो और इसके साथ एक ड्रॉपर मिलता है फ्रेंड्स, ड्रॉपर से आप इसे जितनी भी ड्रॉप आपको चाहिए वो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस यही इसके यूज़ थे, साइड इफ़ेक्ट थे, प्राइस थे।
एक छोटा सा रिव्यू था फ्रेंड्स वियर्ड ग्रोथ ऑयल के बारे में, सिंजा वियर्ड ग्रोथ ऑयल के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, और चैनल पहली बार विजिट कर रहे तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्योंकि आपका जो सपोर्ट रहता है अगर आप उधर से रिएक्शन करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है आगे वीडियो बनाने के लिए। अगर आप नहीं लाइक करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।